नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बाजार शास्त्र में। मैं हूं प्रियंका उप्पल आनंद। एल्गोरिथम ट्रेडिंग इज हेयर टू स्टे एंड इज द फ्यूचर ऑफ ट्रेडिंग, ये कहना है फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ बीएससी दीना मेहता। जी हां, एल्गोरिथम ट्रेडिंग क्या होती है या फिर ऑटोमेटिक ट्रेडिंग क्या होती है, समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को डिटेल से। समझाने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट सुनील मिंगलानी बने हुए हैं। सुनील, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। ऑटोमेटिक ट्रेडिंग का है, एल्गो ट्रेडिंग का है या फिर ब्लैक बॉक्स ट्रेडिंग का है, नाम बहुत सारे हैं लेकिन ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली एक ही है जो अभी तक क्लियर नहीं है। होता क्या है एल्गोरिथम ट्रेडिंग? देखिए, आपने दो चीजों का नाम लिया, एक आपने बोला ऑटोमेटिक ट्रेडिंग, एक आपने बोला एल्गोरिथम ट्रेडिंग। ऑटोमेटिक ट्रेडिंग एक्चुअली एल्गोरिथम ट्रेड ही होता है, लेकिन एल्गो अलग चीज है और जो ट्रेडिंग ऑटोमेटेड अलग चीज है। पहले हम ये समझ लेते हैं एल्गो क्या होता है। जी, आपने सुना होगा एल्गो ट्रेडिंग की वजह से मार्केट गिर गया, एल्गो हुआ, ये हुआ। एल्गो होता क्या है? एल्गो एक्चुअली एक फॉर्मूला है। हमारी जो भी स्ट्रेटजी है, जो भी मेरी सोच है, उसको मैं एक फॉर्मूले में लिखता हूँ, मैथमेटिकल फॉर्मूले में, उसको हम एल्गो कहते हैं। मान लीजिए कोई आदमी मूविंग एवरेजेस को फॉलो करता है, उस पर काम करता है, और वो ये कहता है कि कोई भी एवरेज के ऊपर जाने के बाद मैं बाय करूंगा या उसके नीचे मैं सेल करूंगा, तो वो इसको एक फॉर्मूले में लिख ले अगर, उसको हम कहते हैं एल्गो। ठीक है, अब ये एल्गो जो बना है, जरूरी नहीं है इसे ऑटोमेटिक ट्रेडिंग की जाए, मैनुअल भी ट्रेड किया जा सकता है। ओके, आपके सामने सिग्नल जनरेट होगा, आपको बाय करना है, आपको सेल करना है, आपको हर बार देखने का जरूरत नहीं है कि वो प्राइस। यानी बिफोर यू गो फर्दर, एक पॉइंट यहाँ जो व्यूवर्स को क्लियर कर दे, एल्गोरिथम्स यानी जो हम स्कूल में पढ़ते थे मैथमेटिक के फॉर्मूलाज होते हैं, उसी तरह से फॉर्मूलाज बनाए जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। बिल्कुल, ये फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं? सबसे पहला स्टेप देखिए, वो प्रोफेशनल लोग बनाते हैं, वो तो हम यहाँ पे नहीं समझा पाएंगे, लेकिन एल्गो क्या होता है ये समझ लें अगर हम। यानी अगर कोई हिस्टोरिकल डेटा अगर आप उठा लो, कोई किसी शेयर की चाल कई समय से कितने सालों से चल रही है, उस बेसिस पर, और आप जो बता रहे कि हर एक की अपनी एक स्ट्रेटजी है, कोई मूविंग एवरेजेस को देख रहा है या फिर टिपिकल टेक्निकल चार्ट्स को देख रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न या कोई भी पैटर्न, उस बेसिस पे उसने एक एल्गो बना दिया। बिल्कुल, आपकी कोई भी स्ट्रेटजी, आपका कोई भी सोच, आपको लगता है कि इस तरह अगर हो तो मैं बाय करूंगा तो मुझे फायदा होगा, और ऐसा हो अगर मैं सेल करूंगा तो मुझे अच्छा रहेगा, उसको आप एक फॉर्मूले में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उस फॉर्मूले से आप पास हिस्टोरिकल डेटा पे 5 साल 7 साल 4 साल पे जाके उसको बैक टेस्ट कर सकते हैं कि अगर ये फॉर्मूला मैंने, अगर ये स्ट्रेटजी मैंने 5 साल पहले लगाई होती तो आज क्या मुझे मुनाफा होता या नुकसान होता। उसको हम टेस्टिंग पूरी होती है इस बिल्कुल स्टेप में। तो बैक टेस्टिंग करने के बाद फिर एक रिजल्ट पे निकला जाता है कि हाँ, इसके अंदर कुछ चेंज करने का जरूरत है या नहीं। ये एक एल्गो कंप्लीट हुआ। चलिए, उसके बाद में हम आते हैं ऑटोमेटेड ट्रेडिंग पे। ओके, ये जो एल्गोरिदम है, ये एल्गोरिदम एक सॉफ्टवेयर में डाला जाता है जो कि आपकी जगह ट्रेड करता है। देखिए, ट्रेडिंग करने के लिए आदमी होने का जरूरत है, हम लोग ट्रेड डालते हैं तो ट्रेड होता है, लेकिन वहां पर ऑटोमेटिक ट्रेडिंग के अंदर आपकी जगह एक सॉफ्टवेयर ट्रेड डालेगा। ओके, जिसको आपने एक पहले कमांड दिया हुआ, प्री डिफाइंड कमांड, कि अगर ये स्ट्रेटजी फॉलो हो, अगर ये कंडीशंस हो तो आप बाय कर लीजिए और ये कंडीशंस हो तो आप सेल कर दीजिए। वो सॉफ्टवेयर आपकी जगह जो है ट्रेड डालेगा, उसको कहते हैं ऑटोमेटिक ट्रेडिंग। ठीक है, यानी आपने एल्गोरिथम्स बनाए, आपने प्री प्रोग्राम ट्रेडिंग इंस्ट्रक्शंस बना दी। बिल्कुल, और ये इंस्ट्रक्शन दो तरह से एग्जीक्यूट की जा सकती है, या तो मैन्युअली यानी ह्यूमन बीइंग यूज करते हैं इसको, या फिर टिपिकली पूरा पूरा मैकेनिकल आप हो जाइए, आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करिए, यानी आप सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के जरिए इंस्ट्रक्शंस जाती हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर कंप्यूटर्स के जरिए इंस्ट्रक्शंस जाती हैं, जाहिर तौर पर इसके नुकसान भी हो सकते हैं, इसके फायदे भी हो सकते हैं, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले सुनील, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एल्गोरिथम ट्रेडिंग का यूज होता कहाँ कहाँ है, क्या वाइडली नोन है इंडिया में? हम लोगों ने हालांकि सुना है जब फ्लैश क्रैश जैसी सिचुएशंस हुई 2010 में भी हुई, या फिर कभी कभार ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब हम सुनते हैं कि एल्गो ट्रेडिंग की वजह से फ्लैश क्रैश देखने को मिला, क्या भारत में या दूसरे देशों में इसका यूज है? दूसरे देशों में काफी इस्तेमाल है, वेस्टर्न कंट्रीज में, इंडिया में अभी बहुत कम है। इंडिया में एक्चुअली ट्रेडिंग ही इतना नहीं करते लोग, तो एल्गोरिदम तो बहुत आगे की चीज है। एल्गोरिदम एक्चुअली जो ट्रेडर जिनका कैपिटल साइज बहुत बड़ा होता है, या जिनको बिल्कुल प्री डिफाइंड स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करना होता है डिसिप्लिन से, वो लोग यूज करते हैं। फायदे नुकसान जैसे कि आपने बोला होते हैं, लेकिन उसके अंदर हम एल्गोरिदम के अंदर हर चीज लिख सकते हैं। आप स्ट्रेटजी के अंदर आप हर चीज डिफाइन कर सकते हो कि मेरी क्वांटिटी क्या रहेगा, मैं रिस्क कितना लेना चाहता हूं, मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, आप हर चीज उस फॉर्मूले के अंदर लिख सकते हो, और वो आपकी स्ट्रेटजी, आपका सिस्टम आपकी जगह फॉलो करेगा। जी बिल्कुल जी। चलिए, अब इसके अगर एडवांटेजेस की बात करें तो उसके फायदे क्या क्या होंगे एल्गोरिथम ट्रेडिंग के?
देखिए एल्गोरिदम ट्रेडिंग का सबसे बड़ा जो फायदा है, जिसके लिए एक्चुअली इसको यूज किया जाता है, इसमें इमोशंस नहीं होते जी। देखिए हमारी मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट में, हमने पहले बहुत बात किया है, सबसे बड़ा नुकसान अगर कोई होता है तो उसकी वजह जो होती है इमोशंस होते हैं हमारे, ग्रीड और फियर। ग्रीड और फियर, चार्ट एक्चुअली बोल रहा होता है कई बार कि बाय करिए, चार्ट बोल रहा होता है सेल करिए, लेकिन हमारे इमोशंस आगे आ जाते हैं और हम वो एक्शन नहीं कर पाते, उस चीज को जो है कंप्यूटर या आपका सॉफ्टवेयर या वो एल्गोरिदम हटा देता है, उसमें इमोशन नहीं है, वो रोबोट है। राइट, अगर उसको सौदा काटना है या इंस्ट्रक्शन मिल रही है, सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो वो काट देगा, वो काट देगा। वो ये नहीं सोचेगा कि यहाँ 100 रुपए का नुकसान हो रहा है या 110 रुपए का नुकसान हो रहा है, वो सौदा काट देगा। यानी एडवांटेज तो है सबका, इसका सबसे बड़ा फायदा जो है वो एक्चुअली यही है। राइट, बाकी और फायदे हैं इसके कि रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इसमें बहुत अच्छा होता है, आरएमएस जिसको हम बोलते हैं। आपने अगर उसको बोल दिया कि 10,000 रुपए का मेरा लॉस है, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, तो आप चाहे हो चाहे नहीं हो, आप बैठे हो नहीं बैठे, वो उसके बाद आपका कोई सौदा नहीं करेगा। यानी इसके अलावा एक क्लियर डिफाइंड स्ट्रेटजी, क्लियर डिफाइंड स्ट्रेटजी है वो। आपके पास क्लियर डिफाइंड, कोई अजम्पशंस पे आप बेस ही नहीं करें, क्योंकि आप बैक टेस्ट करते हो हिस्टोरिकल डेटा को। तो क्लियर, तीन एडवांटेजेस तो अब हमने बात की, लेकिन अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो पहला जो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है, क्या वो डिसएडवांटेज भी हो सकता है क्योंकि आप मैकेनिकल हैं? नहीं, बिल्कुल है, वो मैकेनिकल है तो आप टोटली डिपेंडेंट हैं टेक्नोलॉजी पे, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है, नेट में प्रॉब्लम हो गया, सिस्टम में प्रॉब्लम हो गया, या जैसे रॉबर्ट का दिमाग खराब होता है, सॉफ्टवेयर का भी दिमाग खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वायरस आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। और एक अगर हम इस चीज को छोड़ भी देते हैं, एक और मेजर प्रॉब्लम है सबसे बड़ा एक्चुअली। देखिए हमने जैसे बात किया है, स्टॉक मार्केट जो है 40% टाइम जो है ऊपर के ट्रेंड में रहती है या नीचे के ट्रेंड में, 60% टाइम जो है एक साइडवेज रेंज में रहती है, जहां ना वो ऊपर जाती है ना नीचे जाती है। राइट। और हम ये भी बात कर चुके हैं कि कोई भी टेक्निकल स्टडी वो साइडवेज मार्केट में काम नहीं करती। राइट। वो साइडवेज मार्केट में बिल्कुल बेकार है, चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। राइट। अब जो एल्गोरिदम लिखे जाते हैं वो सब, उनका बेसिस जो है वो टेक्निकल होता है। राइट। तो अगर हमने एक सॉफ्टवेयर को कमांड देके छोड़ दिया कि आप ऐसे बाय कर लीजिए, ऐसे सेल कर लीजिए, लेकिन साइडवेज मार्केट में वो क्या करेगा, वो उसमें भी वो स्ट्रेटजी लगाने की कोशिश करेगा, लेकिन टेक्निकल स्टडीज जो भी हैं वो साइडवेज मार्केट में बिल्कुल काम नहीं करती। राइट, यानी सौदा डालने और निकलने का, बाहर निकलने का, ब्रोकरेज आपकी हर बार करती रहेगी, आप मुनाफा नहीं कमा रहे, आप प्रॉफिट में आएंगे नहीं, वो ऊपर जाएगा आप वो लेगा, जैसे ही वो लेगा वैसे जो है स्टॉक नीचे आ जाएगा, वो सेल करेगा, फिर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि स्टॉक कहीं जा तो रहा नहीं है। राइट राइट। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है इसका कि साइडवेज मार्केट में एल्गो ट्रेडिंग जो है, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, वो बिल्कुल यूजलेस है। चलिए, यानी ट्रेडर्स जो है वो तो इस बात को समझ लेते हैं कि साइडवेज मार्केट है तो मार्केट में काम मत करिए, लेकिन अगर क्योंकि आपने कंप्यूटराइज कर दिया, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग करने लग गए हैं, तो आप कंप्यूटर को अज्यूम नहीं कर पाएंगे कि वो साइडवेज मार्केट को पहचाने और रुक जाए, वो अभी भी काम करता है, बिल्कुल काम करता है। कुछ और सवाल भी है मेरे सुनील इसी से जुड़े, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस हाजिर होंगे, बात हमारी एल्गोरिथम ट्रेडिंग पे जारी रहेगी, देखते रहे बाजार शास्त्र। लेकिन व्यूवर्स को जाते हैं तो ये भी याद दिला दें कि बाजार शास्त्र @znetwork.com हमारा ईमेल एड्रेस है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई सवाल या फिर कोई फीडबैक हम तक भेजना चाहते हैं, जल्द वापस हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं बाजार शास्त्र और आज हम चर्चा कर रहे हैं एल्गोरिदम ट्रेडिंग पे। जी हाँ, एल्गोरिदम ट्रेडिंग या फिर जिसके जरिए ऑटोमेटिक ट्रेडिंग भी की जाती है। सुनील मेरे साथ बने हुए हैं। सुनील, मेरा आपसे सवाल ये था कि इस तरह की भी खबर आई कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सेबी को कहा कि आप एबॉलिश कर दीजिए एल्गो ट्रेडिंग को, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर जो बहुत छोटे निवेशक होते हैं वो इसका फायदा नहीं उठा पाते। क्या वाकई छोटे निवेशकों के लिए फायदे ये कारगर नहीं है? नहीं, ये छोटे निवेशकों के लिए एक्चुअली है ही नहीं है। देखिए, एक तो एल्गोरिदम ट्रेडिंग को बनाने में, उसका सिस्टम बनाने में, सेटअप बनाने में पैसा काफ़ी लगता है, इन्वेस्टमेंट काफ़ी होता है, तो छोटा ट्रेडर जिसके पास छोटी पूंजी है वो ना ये तो ये काम कर सकता है और ना उसे करना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि इसके लिए भी बहुत एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, सॉफ्टवेयर भी चाहिए होंगे, इंजीनियर्स भी चाहिए होंगे, प्रोग्रामर भी चाहिए होंगे, वो नहीं कर सकता एक्चुअली। जो हाउस हैं, बड़े बड़े हाउस हैं, वो करते हैं ये काम। और अभी इंडिया में हमारे
ट्रेडिंग को लेके इतनी इमैच्योरिटी आप समझिए, राइट राइट राइट, एल्गोरिथम ट्रेडिंग तो बहुत आगे की बात है, तो छोटा निवेशक जो है उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें उसको फायदा होने वाला तो है नहीं, नुकसान बहुत होगा क्योंकि पहले इन्वेस्टमेंट उसका बहुत हो जाएगा। चलिए बिल्कुल, और हम यही चाहते थे कि अवेयरनेस जरूर क्रिएट हो इन्वेस्टर्स में, हमारे व्यूवर्स को पता जरूर होना चाहिए, क्योंकि न्यूज बेस्ड इवेंट्स में कई बार वो सुनते होंगे कि एल्गो ट्रेडिंग के कारण फ्लैश क्रैश हुआ या फिर एल्गोरिथम ट्रेडिंग जो है। एक ये भी पॉइंट कहा जाता है सुनील की, कैश या फ्यूचर दोनों मार्केट्स में से किसमें ज्यादा यूजफुल है एल्गो? नहीं, एल्गो के लिए कोई कैश मार्केट या फ्यूचर मार्केट का कोई अलग से कोई चीज़ नहीं होता है। आपका सिस्टम है, आप उसको किसी पे भी लगा दीजिए, आप उसको ऑर्डर दीजिए कि मेरे को कैश के अंदर स्टेट बैंक खरीदना है या ऑर्डर दीजिए स्टेट बैंक मुझे फ्यूचर में खरीदना है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। ये है कि जो एल्गो यूज करते हैं वो उन्हीं स्टॉक्स में काम करते हैं जिनमें लिक्विडिटी पूरा होता है, राइट। जो बहुत इनलिक्विड स्टॉक है उनके अंदर काम नहीं करेगा, क्योंकि ऑर्डर जब डाला जाएगा तो कंप्यूटर नहीं देख रहा है कि सामने कोई सेलर नहीं खड़ा है, वो बाय का सौदा मारेगा तो ऊपर का सर्किट लग जाएगा, बहुत मैकेनिकल हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। और यस, स्मॉल इन्वेस्टर्स को जैसा कि बताया एक हैवी कॉस्ट, एक एक्सपेंस भी बहुत इन्वॉल्वड है, हैवी एक्सपेंस इन्वॉल्वड है और बहुत सारे रिस्क भी है। तो वी जस्ट वॉन्टेड टू गिव अ ब्रीफ अबाउट एल्गोरिथम ट्रेडिंग, हम चाहते थे कि हमारे व्यूअर्स को जरूर पता हो, और व्यूवर्स की क्वेरी को हम इनकरेज करने के लिए लगातार अपने व्यूवर्स को बताते हैं कि बाजार शास्त्र @znetwork.com हमारा ईमेल एड्रेस है अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं। एक व्यूवर है जिन्होंने अपना सवाल हम तक भेजा है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है इनका। राहुल है पुणे से हमारे साथ फोन लाइन पर अपना सवाल पूछने के लिए। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू प्रियंका जी, मैं सुनील जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपका शो पहले एपिसोड से देख रहा हूँ, बहुत ही काफी अच्छा शो है जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो रोज का जो एनएसई में डाटा आता है वो आप भी टेलीविजन पे दिखाते हैं, एफआई ने डेरिवेटिव में बाय किया, कैश बेचना सेल किया, तो हमें ये डाटा रीड कैसे करना चाहिए कि हमारे ये डाटा रीड करने के बाद हम अपना ट्रेडिंग डिसीजन कैसे ले सकते हैं? मतलब एफआई ने कैश में सेल किया है, डेरिवेटिव में बाय किया, तो ये कैसे पता चले कि ये एफआई मार्केट से बाहर जा रही है, डीआई मार्केट से बाहर जा रहे हैं? चलिए बिल्कुल, यानी एफआई और डीआई की एक्टिविटी को किस तरह से रीड किया जाना चाहिए, इसको कैसे यूजफुल बना सकते हैं। शुक्रिया राहुल शो को देखने के लिए, इसे प्रेस करने के लिए, इसे पसंद करने के लिए और सवाल पूछने के लिए भी। सुनील से जान लेते हैं, सुनील लगातार हम ये डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं कि एफआई जो है वो पंपिंग कर रहा है मनी और उसी साइड पे डीआई जो सेल आउट कर रहे हैं, तो इस एक्टिविटी इस जो एक्टिविटी को किस तरह से समझे व्यूवर? देखिए वो क्यों लेते हैं और सामने वाले क्यों बेचते हैं ये तो नहीं बता पाएंगे हम, लेकिन जो इनका क्वेश्चन है कि उसको रीड कैसे करें हम, हाँ। रीड करने में देखिए, आप अगर वो बाय का फिगर आ रहा है उसके अंदर कैश के अंदर तो वो बाय कर रहा है उसके अंदर, लेकिन आप उसके बेसिस के ऊपर, जैसे आपने पूछा आप क्या काम करें, आप उसकी बेसिस के ऊपर काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो वहां पे फिगर आ रहा है कि 1100 करोड़ का खरीदा, अभी क्या खरीदा ये फिगर नहीं आ रहा है, आप क्या लेंगे आप बताइए, कौन सा स्टॉक लेंगे, हो सकता है वो कोई एक स्टॉक उठा रहे हो दूसरा स्टॉक बेच रहे हो, जो फिगर आता है वो नेट फिगर होता है, उसमें सेलिंग का फिगर भी होता है, बाइंग का फिगर भी होता है और साथ में नेट फिगर होता है कि ये खरीदा नेट में जी। तो सेलिंग क्या किया है, बाइंग क्या किया है, ये थोड़ी पता है उसके अंदर, राइट। और वैसे भी ये जो डीआईएस जो लगातार बिकवाली कर रहे होते हैं वो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो अपनी स्ट्रेटजीज टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और म्यूचुअल फंड इसलिए बेचते हैं कि लोगों का पैसा है, लोग जब अपना पैसा मांगेंगे उनसे कि हमें चाहिए तो म्यूचुअल फंड को बेचना पड़ेगा चाहे उसकी इच्छा हो या नहीं हो। लेकिन एफआईज जो होते हैं, एफआईज एक्चुअली डेली रूटीन में लेते रहते हैं और उनकी स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर अपने आप को आप चेंज करना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो 5-5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। राइट, आपके पास अगर उतना कैपिटल नहीं है तो आप उनको मत देखिए, आप सिर्फ भाव को देखिए, मार्केट को देखिए, अपने स्टॉक को देखिए, आप उनको मत देखिए। चलिए, यानी आपको इससे जो छोटे इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर हैं, उनको इससे लेना देना नहीं होता, क्योंकि हर एक का टाइम होराइजन, जो उनका जो समय सीमा निवेश की, वो अलग अलग होती है। चलिए, उम्मीद है राहुल आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिला होगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस हाजिर होंगे और आखिरी सेगमेंट में सुनील से जानेंगे उनका आज का पसंदीदा स्टॉक, कहीं मत जाएगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बाजार शास्त्र और अब सुनील से जानने की बारी है आज का उनका पसंदीदा स्टॉक। जी हाँ, कौन सी पोजिशनल कॉल आज दे रहे हैं सुनील हमें? आज का स्टॉक हमारा रहेगा सिप्ला। चले मैं इसको चार्ट पे दिखाता हूँ आपको। देखिए चार्ट पे दिखाइए। देखिए ये आप जैसे चार्ट देख पा रहे हैं, ये वीकली चार्ट है इसका। इसका एक रेंज था 2006 से लेकर और 2009 तक ये एक ही रेंज में रहा था, नीचे की तरफ 150 और ऊपर की तरफ 275। उसके बाद इसने ये रेंज ऊपर की तरफ काटा और फिर इसने एक रेंज और बना लिया, जो रेंज था 275 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 350 जी। अब इसने पिछले दो महीने पहले वो रेंज भी ऊपर की तरफ काटा है और अब ये वापस करेक्शन में 370 रुपए के आसपास आया है। ओके, तो हमारा मानना ये है कि ये स्टॉक इस रेंज के नीचे नहीं जाएगा, जो कि कहीं भी 345-50 रुपए के आसपास आ रही है जी। और डेली चार्ट पे दिखाता हूँ आपको। आप देखिए डेली चार्ट पे यहाँ पर इसकी एक 200 दिन का एवरेज भी आ रहा है इसी रेट के आसपास। तो हमारा मानना यह है कि अगर 265 और 270 के बीच में इसको कहीं पर भी बाय किया जाता है और 245 रुपए, जो कि इसका एक लोअर लो भी बना हुआ है 350 रुपए का, सॉरी, तो 345 रुपए के रेट पे अगर हम इसको स्टॉप लॉस देते हैं और इसको 365 रुपए से 370 रुपए के बीच में बाय कर लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेड होगा आने वाले 3 से 6 महीने के लिए। और इसमें पहला टारगेट जो है हम अप्रोक्सीमेटली 425 रुपए का रख सकते हैं। अगर ये इसका हाई क्रॉस हो जाता है तो एक बार ये 460 से 470 रुपए के रेट पे दिखा सकता है 6 महीने में। चलिए इसमें स्टॉप लॉस क्या रहेगा एक बार फिर से लेवल्स अगर व्यूवर्स को बता दें कि क्योंकि हम कुछ दिन पहले रिकॉर्ड करते हैं शो, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप उन लेवल्स का ध्यान जरूर रखें जो हम यहाँ बाय के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। सुनील एक बार बस लेवल्स दोबारा से व्यूवर्स को बता दें। 345 रुपए का एक इसका स्टॉप लॉस रहेगा, 340 से 45, 2-3 रुपए को नहीं देखना चाहिए स्टॉप लॉस पे। आपको एक एरिया देता हूं मैं, इसीलिए आपको एरिया देखना चाहिए। ये 350 रुपए का एक एरिया है, इसको नीचे की तरफ स्टॉक को नहीं काटना चाहिए और उस पर सस्टेन नहीं करना चाहिए। एक दिन अगर जाता है तो आप उसको इग्नोर कीजिए, लेकिन उसके नीचे सस्टेन नहीं करना चाहिए 340 से 345 के रेंज में। चलिए बिल्कुल ये जोन रहेगा 340 से 345 के बीच के रेंज रहेगा जो एक स्टॉप लॉस का जोन है। इससे नीचे जाता तो आपको सौदा काट देना है। और एक बार फिर से व्यूअर्स को याद दिला दें क्योंकि हम एक पोजिशनल कॉल दे रहे हैं, यानी अगर आप यहां स्टॉक खरीदते हैं तो आपको निवेशित इसमें कम से कम 3 से 6 महीने रहना होगा ताकि आप इसमें मुनाफा कमा सके। सुनील कोई डिस्क्लोजर आपका? ये स्टॉक मैं होल्ड भी कर रहा हूं और हमारे सारे क्लाइंट को भी बताया गया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया स्टॉक डिस्कस करने के लिए, लेवल से मैं बताने के लिए और एल्गोरिथम ट्रेडिंग जैसा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट जरूर है ये, इसे समझाने के लिए। और इसी के साथ शो को यहीं समाप्त करते हैं। सुनील आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। और लेकिन आपके फीडबैक का, आपके सवालों का रहेगा इंतजार। जी हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है, किसी भी टेक्निकल कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, किसी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पे मदद चाहते हैं सुनील से, तो आप हमें भेज सकते हैं bazaarshastra@znetwork.com हमारा ईमेल एड्रेस है, इस पर अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। चलिए अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।